हेलो दोस्तों, मैं गोविंद कुमार गुप्ता, यूट्यूब चैनल PBG ट्रिक की क्लासेज में आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रति 100 के समूह में उतनी मात्रा। जैसे मान लीजिए कि अगर 20% है तो 20% का मतलब ये है, 20% का मतलब ये है कि प्रत्येक 100-100 का ऐसा समूह बनाया जाए जिसमें 20 लोग क्या मिलेंगे। अगर 20% साक्षर की बात की जाए तो 20 लोग क्या मिलेंगे, साक्षर मिलेंगे। निराक्षर की बात की जाए तो निराक्षर मिलेंगे। जो भी बात कही जाए वो क्या करेंगे, प्रत्येक 100 के समूह में 20 लोग वैसे मिलेंगे। ठीक है, अब इस 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है क्या, 20/100 अर्थात 1/5। इसका मतलब भी यही है कि प्रत्येक 5 में एक लोग क्या मिलेंगे, साक्षर मिलेंगे। प्रत्येक 5 में क्या होगा, एक लोग क्या होंगे, साक्षर मिलेंगे। ठीक है, और बाकी सब बहुत सारे इसमें टिप्स हैं जो हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 3/5 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, 3/5 को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 5 से 100 से क्या करते हैं, 3/5 में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कितना होता है, 20/5 100, और 20 3 कितना होता है, 60, और प्रतिशत हम लोग लिख देते हैं। हालांकि 60% जो है इसका एक्चुअल आंसर सही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो किए 20 3 60 किए, यहाँ पे हमारा जो आया 60, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, 60% लिख दिए। ऐसा क्यों किए, ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि जबकि इधर 60 होता है, इधर 60% क्यों कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए, जब भी 3/5 हम लोग लिखते हैं तो प्रतिशत करने का मतलब कि प्रत्येक 100 में हमको क्या करना है, उतनी दिखाना है कि कितना लोग होंगे। ठीक है, जैसे कि 5 में अगर 3 है तो 100 में कितने होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और 100 से मल्टीप्लाई नीचे भी। मैथमेटिक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितना से मल्टीप्लाई किए उतना से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे ताकि उसके मान पर इफेक्ट न पड़े। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 20/25 60, और यही जो होता है 20 3 60/100 हो जाता है, और इसी 60/100 को हम लोग क्या लिखते हैं, 60% लिखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। जबकि ऐसे हम लोग लिख देते हैं भले ही जन्म, लेकिन कोई पूछे तो हम लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे कि यहाँ पे जो केवल 60 आया लेकिन यहाँ हम लोग 60/100 क्यों लिख दिए। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, यदि यक्स का 40% 500 के 10% के समान हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। देखिए, एक्स का 40% का मतलब एक्स गुणे 40/100, और 500 के 10% का मतलब कि 500 गुणे 10/100। इधर 100 से 100 कट जाएगा और 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब इस 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 2 8, फिर 2 4 5 20, 125। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 637 का वाट दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है 120 का 25%, 380 का 40% और 637 का वाट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 120 का 25% निकालने के लिए, 25% का अगर डायरेक्टली याद है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो फ्रैक्शन वैल्यू भी हम लोग ले सकते हैं, या फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, अभी सिंपल सा रूल देखते हैं। इस वीडियो में केवल सिंपल सा रूल देखेंगे, बेसिक देखेंगे। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में एडवांस की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो 120 जो है, 120 गुणे 25 बटा में कितना हो जाएगा, 100 प्लस 380 बटा 380 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 40/100 बराबर कितना हो जाएगा, 637 गुणे इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 से ये 1 0 कटा लेंगे और 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा,
10 इसका एलसीएम हो जाएगा, 10 से ये कटेगा तो 25 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पचे 60 और 12 दुना देखिए 12 पचे 60 का जीरो कैरी हो जाएगा 6 और 12 दुना 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 प्लस इसको करेंगे तो 4 8 32 का 2 कैरी 3 और 4 3 12 12 3 कितना हो जाएगा 15 अर्थात 1520 या 3 चौके 1200 और 8 चौके 32 ठीक है 12 3 1520 ऐसे भी कर सकते हैं बराबर कितना हो जाएगा 637 गुणे एक्स। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 1520 और 300 कितना हो जाएगा 1820 बटा में 10 बराबर हो जाएगा 637 गुणे एक्स और ये एक जीरो से एक जीरो कट कर लेंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 182 अपॉन में 637 बराबर एक्स। एक्स सात से कटाते हैं तो क्या हो जाएगा 7 दुना 14 14 4 18 7 6 के 42 7 दुना 14 और 7 6 के 42 फिर इसके बाद इसको 7 से कटाएंगे तो 7 नवा कितना होता है 63 और 7 एकम 7 अब 13 दुना 26 63 91 अर्थात x बराबर क्या मिलेगा हमको 2/7 x बराबर क्या मिलेगा हमको 2/7 ये मेरा आंसर ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे ये बेसिक रूल्स हैं बेसिक रूल्स के तहत हम लोग क्या कर लेंगे बना लेंगे इस क्वेश्चन को ठीक है। क्वेश्चन हो गया होगा ठीक है। आगे हम लोग एक चीज समझ लेते हैं किसी भी संख्या जैसे मान लें 5 3 2 5 किसी भी संख्या का किसी भी संख्या में यदि राइट साइड से एक अंक के बाद डेसिमल देते हैं तो इसका क्या निकलता है 10% निकलता है ठीक है। किसी भी संख्या का राइट साइड से अगर एक डेसिमल देते हैं तो कितना निकलता है 10% अर्थात इसका अगर 10% कहें तो कितना हो जाएगा 532.5। लेकिन यदि 1% की बात करें यदि 1% कितना हो जाएगा 2 अंक के बाद राइट साइड से 2 अंक के बाद यदि डेसिमल देंगे तो हमारा कितना निकलता है 1% निकलता है अर्थात इसका 1% कितना हो जाएगा 53.25। तो 10% 1% अगर मान लीजिए कि 5% निकालना हो तो क्या करेंगे इसमें 5 से गुणा कर देंगे यदि 5% निकालते तो इसका आधा भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5%। ये सब हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं ये सब हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार कर देंगे ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को इस तरह भी बताना है तो 25% का मतलब कि 10 10 20 25 अगर 10% 12 है तो 20% कितना हो जाएगा 24 यदि 10% 12 है तो 20% हो जाएगा 24 और 25% कितना हो जाएगा 10% 12 तो 5% 6 अर्थात 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ठीक है। अगर 120 का हम लोग 25% लें तो 120 का 25% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा क्योंकि 10% यहाँ पे 12 दुना 24 अच्छा 30 प्लस यहाँ पे अगर हम लोग देखें 380 का 40% निकालना है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 10% कितना होगा 38 10% कितना होगा 38 अगर 40 निकालना है इसका मतलब 4 गुना 10 का 4 गुना तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 32 का 2 कैरी 3 और 4 3 12 3 15 152 बराबर कितना हो जाएगा 637 गुणे एक्स ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 52 को अगर ऐड कर लेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 82 अब बटा में 637 बराबर एक्स और यही कटाएंगे 7 से तो 7 दुना 14 और 7 छः के 42 7 नवा 63 7 एकम 7 फिर करेंगे हम लोग 13 से 63 91 और 13 दुना 26 अर्थात एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2/7 ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं फास्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह याद रखें अगर मान लीजिए 25% 40% इस तरह से नॉर्मल रहे तो हम लोग को फ्रैक्शन में लिख कर इसका मान निकालने के बजाय हम लोग को क्या करना होगा डायरेक्टली जैसे 10% कितना है 12 तो फिर 10% 12 दूना 24 20% हो गया 5% इसका 6 होगा तो 24 6 30 हो जाएगा उसी तरह 10% इसका 38 हो जाएगा तो 40% कितना होगा 38 में 4 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा मेरा 40% ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.01 का कितना प्रतिशत है
ठीक है, 0.01, 0.1 का कितना पदार्थ था, 0.01 जो है वो 0.1 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम लोग अगर चाहें तो ऐसे अगर नॉर्मली से कहें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, एक डेसिमल से एक डेसिमल काट देंगे तो ये क्या बचा, 1/10। 1/10 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 10%। ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल कटाएंगे तो 100, इस डेसिमल कटाएंगे तो 10 से कट जाएगा, तो 1/10, 1/10 अर्थात 10% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 65 ग्राम 2 किलो का कितना प्रतिशत है। तो 65 ग्राम पहले जिसकी बात कर रहा है उसको ऊपर रखें, 65 ग्राम 2 केजी का जिससे प्रतिशत पूछता है, जिससे प्रतिशत पूछता था, जिससे कंपेयर किया जाए तो उसको क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। तो 2 केजी का, तो इसको भी, ये भी ग्राम में है तो इसको भी क्या करेंगे, ग्राम में। तो 2 केजी में कितना ग्राम, 2000 ग्राम। ठीक है, 2 केजी में कितना ग्राम होगा, 2000 ग्राम। 2000 ग्राम लिख देंगे, अब इसको हम लोग कट कर देंगे तो 5 से कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65 और 5 × 4 = 20। ठीक है, अब इसको 13/400 हो गया, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 कट जाएगा, तो 13/4 अर्थात 4 × 3 = 12 और बच जाएगा 1 × 4 = 8 और 3.25% हो जाएगा। ठीक है, तो 65 ग्राम जो है 2 केजी का कितना है, 3.25% या 13/4। ठीक है, या 13/4 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1% के आधे को दशमलव के रूप में क्या लिखा जाएगा। 1% के आधा को दशमलव के रूप में क्या लिखा जाएगा। देखिए, 1% का आधा मतलब कि 1/100 है। ठीक है, 1% का मतलब 1/100 और इसको पूरा को आधा कर देंगे तो क्या होगा। तो देखिए, पहले गुणे चौथी, दूसरी गुणे तीसरी, अर्थात 1/100 में कितना हो जाएगा, 200। तो हम लोग क्या लिखते हैं, 0.0। अब यहाँ पे 0.005। ठीक है, 0.005, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको हमको, देखिए क्या लिखना है, इसको हमको 1000 अगर कर दें तो देखिए इस तरह से 1/100 अगर 200 है तो इसको 1000 करने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटली क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको 0 बना लीजिए, सिंपल सी बात है कि 0 इसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे, या तो भाग दे दीजिए। ठीक है, अगर भाग नहीं देते तो इसको क्या कर दीजिए, 0 बना लीजिए। तो 2 × 5 = 10, मतलब कि ये हो जाएगा, तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से, अर्थात 5/5 2 × 5 = 10 हो जाएगा और 2 × 0 अर्थात 1000। तो देखिए ये 5/1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.005 और ये मेरा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में ये 0.0 जो है दशमलव का देना ही क्या कर सकता है, कन्फ्यूज कर सकता है हमको। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 1 घंटा 45 मिनट को पहले पूरा घंटा में बदल लेते हैं, तो 1 घंटा 45 मिनट 45/60 करेंगे तो 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60 अर्थात 4 × 4 = 3 = 7/4 घंटा हो जाएगा। और एक दिन में टोटल कितना घंटा होता है, 24 घंटा, और यहाँ हो जाएगा 7/4 और ये 4 जो है कहाँ चला जाएगा, 7/24 × 4 हो जाएगा। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से जब ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में, और 25 सात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 178। ठीक है, 7 × 5 = 35 का 5 कैरी 3 और 7 × 2 = 14, 14 × 3 कितना हो जाएगा, 17/24। अब हम लोग क्या करेंगे, 175 को 6 से 24 से क्या कर लेंगे, भाग दे लेंगे। तो पहले हम लोग देखें तो 2 × 2 = 14 और 4 × 7 = 28 अर्थात 24 × 7 कितना हो जाएगा, 168। तब 168 हो जाएगा, इसके बाद लेस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 168 इसमें से लेस करेंगे तो मिलेगा 7 और डेसिमल देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग करेंगे तो 24 × 48, फिर इसके बाद 70 में से 48 को हम लोग लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 22। ठीक है, अब इसको फिर एक जीरो लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 220 और देखिए 2 × 9 = 18 और 4 × 9 = 36, दोनों का ऐड करेंगे तो 216 अर्थात कितना टाइम जाएगा, 9 टाइम। ठीक है, 9 टाइम में आएगा ये 216
16 फिर बच जाएगा 4 0 अर्थात 24 से कम 24, 24 दुना 48 अर्थात 2 नहीं हो सकता, 24 से कम 24 और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन यदि ईजी है तो थोड़ा सा इसमें क्या हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो सकता है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करें। और मल्टीप्लाई के लिए हमने पिछला वीडियो 2-3 वीडियो में हम लोग मल्टीप्लाई कैसे शॉर्ट टाइम में करें सिखाए हैं, उसको जरूर देख लें। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि ए प्लस बी का 20% यदि ए प्लस बी का 20% बराबर है किसका बी का 50%, तो हमको ज्ञात करना है 2a माइनस बी और 2a प्लस बी, 2a माइनस बी और 2a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए a प्लस बी का 20% का मतलब हो जाएगा कि a प्लस बी इंटू 20/100 और यहाँ पे b गुणे 50/100, ये पूरा 100 से 100 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2a प्लस 2b बराबर हो जाएगा 5b, ये 2a बराबर हो जाएगा 3b, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा अर्थात a बाई बी बराबर मिलेगा 3/2। हालांकि a का मान हम लोग 3 भी रख सकते हैं, b का मान 2 भी रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों जो है कट जाएगा, लेकिन हम लोग इसका a का मान ऐसे लेंगे a बराबर लेंगे 3k और b बराबर लेंगे 2k। अब यहाँ क्या करेंगे, अब 2 गुणे 3k माइनस 2k और 2 गुणे 3k प्लस 2k, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 6 में से 2 जाएगा 4k, अब बटा में ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 8k, ये कट जाएगा और 4 दूना 8 अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2। इस तरह से आज हम लोग केवल बेसिक क्वेश्चन को देखें। ठीक है, कल जो है हम लोग इस पर एडवांस सब क्वेश्चन को धीरे धीरे हम लोग क्या करें अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे और पार्ट वाइज वीडियो में हम लोग क्या करेंगे अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।